लेना चाहते हैं तो आप मेरे पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ डिफरेंट एंगल्स हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है वेरिएबल्स के सूरत में कुछ एंगल्स को ठीक है तो थ्रू ऑफ वैल्यूज रिप्रेजेंटेड बाई लेटर्स वर्क आउट ऑफ देंगल अब तक आप पढ़कर आ चुके हैं इस चीज को डिटेल के साथ कि अगर हमारे पास दो लाइंस एक पर्टिक्युलर पॉइंट पर मीट करती हैं तो वहां पर हमारे पास एक अदर है है? ये आप सब जानते हैं उसके बाद हमारे पास डिफरेंट एंगल्स होते हैं तो अगर हमारे पास एक एल बन जाए दो लाइंस की मदद से दो स्ट्रेट लाइंस में एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल तो इनके बीच में हम बॉक्स बनाते हैं और ये एंगल हमारे पास 90 डिग्रीज के इक्विवेलेंट होता है ठीक है जो एंगल हमारे पास नाइंटी डिग्रीज से कम होगा प्रोटेक्टर से आप लोग मेजर करना जानते हैं तो ये एंगल अगर मेरे पास लेट से डिग्री का है तो ये एंगल कहलाता है एक्यूट एंगल ठीक है है ये कहलाता एंगल और वो एंगल जो हमारे पास 90 डिग्री से ग्रेटर होता है यानी एल से भी जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा होता है लेट से इट इज 120 ट्वेंटी डिग्रीज तो ये हमारे पास कहलाता है ऑफियोस एंगल ठीक है अब आज जो हम चीज पढ़ने वाले हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है उसमें यह है कि अगर हमारे पास दो एंगल्स मिलकर 90 डिग्रीज बनते हैं यानी आपने देखा यहां पर मेरे पास एक ये एंगल है और ये एक एंगल है दोनों को मिलाकर 90 डिग्रीज बन रहे हैं तो ऐसे दो एंगल्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी दो एंगल्स जिसका सम 90 डिग्रीज हो लेट से एक एंगल है मेरे पास 50 डिग्रीज दूसरा मेरे पास है यहाँ पर ये 50 डिग्रीज है और ये फोर्टी डिग्रीज है तो फोर्टी प्लस फिफ्टी जब मैं करूंगी तो मेरे पास यहां पर जो आंसर आएगा वो नाइनटी डिग्रीज होगा तो इन दोनों एंगल्स को मैं कॉम्प्लीमेंट्री कहती हूँ जब दो नाइन्टी डिग्री एंगल्स मिल जाए हमारे पास तो क्या बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ठीक है आप ये देख सकते हैं एक 90 डिग्री राइट साइड पे एक 90 डिग्री लेफ्ट साइड पे तो 90 प्लस नाइन्टी हमारे पास होता है 180 डिग्री तो ऐसे दो या दो से ज्यादा एंगल्स जिसका सम 180 एटी डिग्रीज आता है उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल ठीक है अब ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये किस तरह से एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये देख सकते हैं ना आप ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे पास 90 डिग्रीज के दो एंगल्स बन रहे हैं अब इसी तरह से स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेरे पास 90 डिग्री के अलावा भी एंगल्स बन सकते हैं जैसे एक एंगल है मेरे पास लेट से फिफ्टी डिग्रीज का और एक एंगल है मेरे पास यहां पर लेट से एटी फाइव डिग्रीज का और तीसरा एंगल है मेरे पास लेट से फोर्टी फाइव डिग्रीज का ठीक है आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही ये तीनों एंगल्स बने हैं तो अब अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं फोर्टी फाइव प्लस फिफ्टी प्लस एटी फाइव तो हमारे पास क्या आंसर आता है वन एटी ठीक है, हमने को को दिया तो 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 ये ये तीनों को हम क्या कहेंगे तो जब तीन मिलकर 180 बनाएंगे उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स तो अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स बन रहे हों जिसमें से मुझे एक एंगल पता हो कि अगर ये सेवेंटी डिग्रीज का है तो दूसरा एंगल क्या मैं फाइंड आउट नहीं कर सकती मुझे कितना प्लस करना है, 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 तो है, कर कर है वहां पर हमारे पास क्या होता है एक्स एस इक्वल टू वन एटी माइनस सेवेंटी विच इक्वल टू हंड्रेड एंड टेन डिग्रीज तो ये मेरे पास एंगल आ जाएगा हंड्रेड एंड टेन डिग्रीज तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन पे दो या दो से ज्यादा एंगल्स होंगे जिसमें से कुछ नोन हो और एक अननोन हो तो आपने सिंपली क्या करना है कि जो आपके पास नोन एंगल्स हैं उसको आपने सम करके 180 में से सब कर देना है और आपके पास जो अननोन एंगल है वो आपको पता चल जाएगा तो आ जाते हैं वापस एक्सरसाइज की तरफ यहां पर देखिए हमारे पास है वर्क आउट द साइज ऑफ द एंगल अब एक स्ट्रेट लाइन है पार्ट ए के अंदर एक हमारे पास एंगल है 116 हंड्रेड डिग्रीज दूसरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे ए एंगल को फाइंड आउट करने के लिए 180 में से 116 को सब कर देंगे ठीक है जैसे आप 180 में से 116 को सब करेंगे आपके पास आंसर आएगा 64 फोर डिग्री इसका मतलब है हमारे पास ये वाला जो एंगल है ये 64 फोर डिग्रीज है That's it. क्योंकि 116 प्लस 64 करते हैं तो आंसर 180 आता है इसी तरह से हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें एक एंगल हमारे पास 55 डिग्रीज का है दूसरा एंगल फाइंड आउट करना है तो इसमें हम क्या करेंगे 180 में से 55 को सब कर देंगे तो एंगल बी हमारे पास आ जाएगा 180 एटी माइनस फिफ्टी फाइव इज इक्वल टू वन तो जब भी आपको स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक अनोन एंगल फाइंड आउट करना होगा तो आप देखेंगे कि आपके पास मजीद और कितने एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं आप उन तमाम एंगल्स को 180 में से सब करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सी अब देखिए यहाँ पर हमारे पास तीन एंगल्स मिलकर 180 एटी डिग्रीज बना रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 180 में से बाकी जितने एंगल्स हैं उन सबको सब को करेंगे पहले 60 को सब करेंगे आंसर 120 आएगा 120 में से फिर दोबारा 24 को और सब करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 96। सिक्स सिंपल ठीक है तो बस आपने इसी तरह से इसको करते चले जाना है तो ये हमारे पास आ गया नाइनटी सिक्स एंगल सी और आप यहां पर ऐड करके देख सकते हैं तीनों को जब आप ऐड करेंगे 60 प्लस 24 प्लस 96 तो आपके पास आंसर 180 डिग्रीज आएगा इसी तरह से पार्ट डी में देखिए एक एंगल डी है हमें फाइंड आउट करना है उसके ऑपोजिट में एंगल 34 है और बीच में एक बॉक्स बना हुआ है ये एंगल हमें बताया नहीं है इन्होंने तो ये हमें पता है कि जब भी दो एंगल्स के बीच में दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एक डब्बा बनता है तो इसका मतलब होता है कि वो नाइन्टी डिग्रीज है ये सिंबल सिंबल है नाइन्टी डिग्री एंगल का इसका मतलब है कि ये एंगल हमारे पास नाइन्टी डिग्रीज है तो एंगल डी को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है दो नाइनटी डिग्रीज मिलकर वन एटी बनाते हैं तो हम क्या करेंगे एंगल डी को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली जो बाकी नाइन्टी बच रहा है उसमें से थर्टी फोर को सब्ट्रैक कर देंगे ठीक है और अगर ये बात डिफिकल्ट लगती है तो आप वन एटी माइनस नाइनटी माइनस थर्टी फोर करें तब तो भी आपका आंसर सेम आएगा ठीक है तो अब यहां पर हम नाइनटी में से जब थर्टी फोर को सब्ट्रैक करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फिफ्टी सिक्स डिग्रीज विच इज एंगल एंड दिस इज final आंसर अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स हैं या तीन एंगल्स हैं ठीक है एक ही पॉइंट के ऊपर जितने एंगल्स बन रहे हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर उन सब का सम अगर 180 डिग्रीज है तो हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन के नीचे भी जितने एंगल्स बनेंगे उसका भी सम हमारे पास कितना होगा 180 डिग्रीज तो 180, 180 हमारे पास आंसर थ्री सिक्सटी डिग्रीज इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट के ऊपर अगर बहुत सारे एंगल्स बनेंगे तो उन सब का सम वन थ्री सिक्सटी डिग्रीज होगा ठीक है सबसे पहले एक एल से हमने स्टार्ट किया दो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस थी जो कि 90 डिग्रीज बनती थी दो 90 डिग्रीज ने मिलकर 180 डिग्रीज बनाया और दो 180 डिग्रीज ने मिलकर 360 डिग्रीज बनाया जहां पर हमारा पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है ठीक है तो अब हमने करना है एंगल्स एट अ पॉइंट एंगल्स एट अ पॉइंट को हमने किस तरह फाइंड आउट करना है अब आप देख सकते हैं एक पॉइंट है और इसके ऊपर ये तीन एंगल्स बन रहे हैं एक पॉइंट है और इसके ऊपर ये तीन एंगल्स बन रहे हैं एक पॉइंट है और इसके ऊपर ये चार एंगल्स बन रहे हैं एक पॉइंट है और इसके ऊपर ये तीन एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है तो इसको कहते है, 360 जैसे 180 degrees, है? और जब दो परपेंडिकुलर लाइंस मिलती हैं तो एंगल्स एंगल टू नाइन डिग्री इसी तरह से एंगल्स एट अ पॉइंट हमेशा थ्री सिक्सटी डिग्री से बराबर होंगे इसका मतलब है कि अगर एंगल एट अ पॉइंट पर हमारे पास दो या दो से ज्यादा एंगल्स हैं एक एंगल अननोन है तो हम हम उसको बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं हम क्या करेंगे 360 डिग्रीज में से बाकी तमाम एंगल्स को कर देंगे पार्ट ए में देखिए मुझे एंगल ए फाइंड आउट करना है मेरे पास बाकी दोनों एंगल्स पता है मुझे 130 और ट्वेंटी डिग्रीज तो अब मैं क्या करूंगी थ्री में से वन ट्वेंटर्टी और ट्वेंटी को माइनस क्यों क्योंकि हमारे पास यहां पर जो एंगल्स हैं 130 plus 20 plus a ये तीनों एंगल्स मिलकर 360 डिग्रीज बना रहे हैं तो इसको जरा सॉल्व कीजिए तो 130 20 कितना होता है 150 a 360 डिग्रीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वेशंस को जरा रिकॉल कीजिए ये वन स्टेप इक्वेशन है आपके पास 150 को सबट्रैक्ट करेंगे तो a की वैल्यू हमें पता चल बस यहाँ पर हमने यही करना है कि 360 में से हमने जितने भी नॉन एंगल सब सब कर देना है तो तो और 20 बनते हैं टू, आ, 150 360 में से जब हम 150 को सब करेंगे तो आंसर आ हमारे पास 210 इसका मतलब है ये जो एंगल ए है इट इज इक्वल टू टू हंड्रेड एंड टेन डिग्री सिंपल ठीक है अच्छा ये मेरा ख्याल है हमारे पास वन ट्वेंटी डिग्री था उसको तो थोड़ा सा हम रब करके देख लेते हैं हाँ वन ट्वेंटी डिग्री था तो ये यहां पर करेक्शन करनी पड़ेगी ठीक है तो ये वन थर्टी प्लस वन ट्वेंटी करेंगे सही है इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा वो सर्कल बना दिया था इसलिए वन जो है वो वहां पर मिस हो गया तो ये 120 और 130 को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 250 हंड्रेड एंड डिग्रीज टू को जब 360 में से सब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 110 और 110, 120, 130 तीनों को प्लस करके देखेंगे तो आंसर क्या आएगा 360 सिक्सटी डिग्रीज इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है इसी तरह से एंगल बी को फाइंड आउट करते हैं एंगल बी के अंदर हमारे पास दो एंगल से एक 155 है एक 37 है तीसरा एंगल बी है 360 में से हमने पहले सब्ट्रैक किया 155 ठीक है माइनस 205, और 205 में से हमने फिर 37 को मजीद किया तो हमारे पास आंसर आ गया 168. ठीक है इसका मतलब है मतलब ये एंगल है. है? अच्छा, एंगल्स मिलकर है, जो है वो थ्री सिक्सटी डिग्री बना रहे हैं यहाँ पर हमने थ्री सिक्सटी में से तीनों को सब करना होगा माइनस थर्टी सिक्स माइनस सिक्सटी एट माइनस फिफ्टी टू अब आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे सिक्सटी एट प्लस प्लस फिफ्टी टू थर्टी सिक्स। तीनों को प्लस करें क्या आंसर आता है 156. अब वन फिफ्टी सिक्स को एक साथ माइनस कर दें थ्री सिक्सटी में से तो क्या आंसर आएगा हमारे पास टू हंड्रेड एंड फोर इस तरह से क्या होगा कि आपका आंसर जो है उसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी और अगर आप चाहें तो अलग अलग करें पहले थ्री सिक्सटी में से थ्री थर्टी को माइनस करें जो आंसर आया उसमें से करेंट को माइनस करें जो आंसर आया उसमें से 52 को माइनस करें तब भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा ठीक है अच्छा उसके बाद पार्ट डी में देखो तो एक एंगल यहाँ पर आपके पास नाइन्टी डिग्रीज का बना हुआ है जो तो लिखा नहीं जाता ठीक है क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है जहां पर आपके पास दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पर मीट करेंगी और वो परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के ठीक है यानी एक एल टाइप बन रहा होगा और वहां पर बॉक्स होगा तो वो नाइन्टी डिग्रीज की इक्विवेलेंट वैलेंट होंगी ठीक है तो अब इसको जब अगर फाइंड आउट करना है तो हमने क्या करना है सिक्सटी डिग्रीज में से पहले माइनस करेंगे नाइन्टी डिग्रीज हमारे पास क्या आंसर आएगा 270 270 में से हम फिर माइनस करेंगे 42 डिग्रीज तो 270 सेवेंटी माइनस फोर्टी टू इक्वल्स टू टू ट्वेंटी एट डिग्रीज हमारे पास एंगल डी आर दो या दो एंगल्स बनेंगे तो वो उनका सबको तो सब, सब ट्रैक्ट कर दें एक एंगल पॉइंट के अंदर एक पॉइंट के ऊपर अगर आपके पास बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं उसमें से एक मिसेंगे तो वो सब मिलकर थ्री बनाते हैं तो आप थ्री में से बाकी सबको सब, सब कर दीजिए आपको वो अनोन एंगल पता चल जाएगा इसके बाद देखिए बड़े मजे का क्वेश्चन है आपके पास एंगल एट अ पॉइंट के ऊपर तीन एंगल्स बन रहे हैं ठीक है यहाँ पर तीन एंगल्स बन रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर और यहाँ पर इसी एक पॉइंट के ऊपर हमारे पास फाइव एंगल्स बन रहे हैं और इसके अंदर मजे की बात यह है कि दी एंगल्स इन ईच ऑफ दीज डायग्राम्स आर ऑल द सेम साइज वट इज द साइज ऑफ ईच एंगल तमाम एंगल्स का साइज बिल्कुल इक्वल है तो ये क्या बात हुई इसका मतलब है हमें 360 को स्प्लिट करना है डिवाइड करना है पार्ट ए के अंदर थ्री एंगल्स में पार्ट बी में फाइव एंगल्स के अंदर तो ये तो ये सिंपल एक डिविजन का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास यहां पर तीन एंगल्स हैं और तीनों सेम है तो इसका मतलब क्या सिचुएशन बनेगी एक एंगल अगर एक्स है तो दूसरा भी एक्स है और तीसरा भी एक्स है तीनों मिलकर बराबर होते हैं थ्री सिक्सटी डिग्री के तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स क्या होता है ठीक है तो हमने x को अगर आउट करना है एक एंगल का each angle मतलब एक angle का अगर हमें find out करना है है कि वो कितने degrees का है, तो हम क्या करेंगे थ्री यहाँ पर मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा अब जो चीजें एलजबरा में पढ़ी थी वो यहाँ पर अप्लाई करने का टाइम है थ्री वन जार थ्री थ्री टू जार सिक्स थ्री जीरो जीरो दी आंसर इज वन ट्वेंटी डिग्री इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास

कितना सिंपल क्वेश्चन है इसके अंदर हमने कुछ भी और नहीं किया सिर्फ हमने जो सिंपल एल्जेब्रा थी वो अप्लाई की है और हमारे पास आंसर आ गया और वैसे भी स्टूडेंट्स आपको पता है जब एक क्वांटिटी को डिवाइड करना हो इक्वली किसी भी नंबर के अंदर तो हम क्या करते हैं उस नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं थ्री सिक्सटी से अगर आप थ्री को डिवाइड करते तो आपके पास तीनों इक्वल एंगल्स आ जाते इसी तरह से थ्री सिक्सटी को अगर आप फाइव से डिवाइड करेंगे तो भी आपके पास तीनों इक्वल एंगल्स आ जाएंगे तो आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा और अगर आप वो मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ जो है आपका प्यार होता है हमें जो है वो अपने कॉमेंट्स किया करें हमारे वीडियोज़ पर और लाइक किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें चलिए टेक केयर अल्लाह हाफिज